कप 2024 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा और उपकप्तान हार्दिक पांड्या को बनाया गया है। वर्ल्ड कप का आरंभ जून में होना है। पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। मैच की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। ये मैच भारत को हर हालत में जीतना होगा। विराट कोहली के लिए वर्ल्ड कप 2024 शायद आखिरी हो, इसलिए विराट कोहली का बैटिंग देखने योग्य रहेगा और अच्छा प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। अच्छे फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल को भी मौका दिया गया है, इसे ओपनिंग करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए यशस्वी जायसवाल विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है। वहीं अर्शदीप सिंह को भी मौका दिया गया है, जिसका बॉलिंग प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलेगा। टीम इंडिया का स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेटकीपर, संजू सैमसंग विकेटकीपर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रिजर्व प्लेयर्स के रूप में शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान होंगे।